Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are all in good health. I'm your computer teacher, Ma'am Fazaila. So we start the reading of computer book. Open the page number 58 and 59. Look at the page number 58. In this page, we discuss about the start button and search box. Today's topic is start button and search box. First topic is start button. What is a start button? Students, जब आप computer open करते हो, आपकी एक जो है left corner पे, एक bottom side पे जो left corner होता है, उस पे एक task bar होता है, ठीक है? उसके ऊपर एक start button button का एक logo बना होता है, ठीक है? जब आप उस लोगो को ओपन करते हो, ठीक है, लोगो के ऊपर क्लिक करते हो, तो आपको वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस नज़र आते हैं, ठीक है? कोई भी फाइल, कोई भी चीज़ आपने ओपन करनी है, तो आप स्टार्ट बटन के मेन्यू पे क्लिक करके अपनी कोई भी चीज़ इजीली क्लिक कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा स्टार्ट बटन का बटन होगा आपकी लेफ्ट कॉर्नर पर. ये एरो का निशान आपको स्टार्ट बटन बता रहा है कहाँ पर होता है, ठीक है? और ये चीज़ जो है, ये एक फ़ाइल खुल जाती है इसको प्रेस करने से. और जब आपका सारा काम फिनिश हो जाता है, जो फ़ाइल आपने ओपन करनी होती है वो फिनिश करने के बाद, ये स्टार्ट बटन डाउन शट डाउन का सॉरी बटन होता है, ठीक है? शट डाउन करेंगे तो इसमें क्या होगा, आपकी तमाम फाइल्स होंगी वो क्लोज़ हो जाएंगी, ठीक है? अच्छा, अब हमारा जो है वो सेकेंड टॉपिक है सर्च बॉक्स. सर्च बॉक्स क्या होता है, ठीक है? किसी को पता है सर्च बॉक्स क्या होता है? कोई भी फाइल जो आपने ढूंढनी हो, वो सर्च बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो सर्च बॉक्स से आपको इजीली मिल जाती है, ठीक है? ये सर्च बॉक्स होता है, ठीक है? एक स्क्रीन आपके सामने शेयर हो रही है. देखें, स्क्रीन के ऊपर नीचे जितनी भी चीज़ें ओपन हैं, ये एक टास्क बार होता है, इसे नोटिफिकेशन एरिया भी कहते हैं, ठीक है? नोटिफिकेशन एरिया में आपने जो जो चीज़ ओपन की होती है वो इस तरह से नीचे आ जाती है, ठीक है? अब जो सेकंड पिक्चर है, इसमें स्टार्ट बटन का बताया है, टास्क बार आइकन, विंडो, नोटिफिकेशन एरिया और टाइम एंड डेट. जिस जगह पे एरो किया हुआ है वहाँ पे टाइम एंड डेट आपको शो होती है. आप कोई भी इजीली वर्क जो होता है वो अपना टाइम और डेट यहाँ से देख सकते हैं. हर विंडो का अपना नोटिफिकेशन एरिया या टास्क बार डिफरेंट होता है. आई थिंक स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी. अल्लाह हाफिज़.